हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन बुकेबल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टिचिंग ऑफ बेसिक सलवार विच आर हेल्पफुल फॉर बिगनर्स। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। इसमें हमने क्या किया है, ये जो हमारे सेंटर पैनल होते हैं ना, जिसको हम कुंदे भी बोलते हैं, ये सलवार हमने पहले से ही कट करके रखी हुई है, बस हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। तो हमने ये कुंदे उठाए दो, ये जो दो कुंदे हमने उठाए हैं ना, इनको सीधे पे सीधा हमने रखा है। जो भी हमारे गारमेंट की राइट से राइट साइड होगी, हमने उन दोनों को एक साथ रखना है फेस करके। और साइड पे जो क्रोच एरिया होता है, जिसको हम आसन भी बोलते हैं, छोटे वाला जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले कुंदे पर हम स्टिचिंग करेंगे ऐसी जैसे हमने पहले वाले पे की है। तो हम यहाँ पे साइड पे क्रोच एरिया पर स्टिचिंग कर रहे हैं, हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए हमने स्टिचिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। ये हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया, तो हमने दोनों कुंदों पर अपनी स्टिचिंग लगा लिया। अब हम जो गोड्डे होते हैं, जिसको हम साइड पैनल भी बोलते हैं, वो हम अटैच करेंगे अपने कुंदों पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गोड्डे हैं, ये हम सीधे पे सीधा रख के ही स्टिचिंग करते हैं। जो बिगनर्स हैं वो ध्यान से इसको करें। जो हमारे फैब्रिक की राइट से राइट साइड है, दोनों को हम आपस में फेस करते हुए रखेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। सीधे पर सीधा रखते हुए हमने स्टिच करना है। और जो हमारी लंबी वाली साइड होती है ना, वहाँ पे हमने स्टिचिंग लगानी है। कुंदों पर हमने छोटे वाली साइड लगाई थी, जिसको हम क्रोच बोलते हैं। अब उस कुंदों को हम गोड्डों के साथ अटैच कर रहे हैं। तो जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारा क्रोच एरिया है और उस साइड हम उस पर स्टिचिंग लगा रहे हैं। हाफ इंच का गैप छोड़ते हमने स्टिचिंग लगानी है, फ्रंट से फ्रंट साइड करते हुए फैब्रिक की। थोड़ा सा हमने फैब्रिक को पीछे से इसलिए पकड़ा है ताकि वो अच्छे से स्टिचिंग लगे, उसमें झोल वगैरह ना आए। आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्लियरिटी के लिए हमने ये किया है। क्योंकि अब बिना अगर फैब्रिक को पकड़े हुए कर देंगे तो उससे हमारी स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं आती, उसमें थोड़े उठाव आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमने कुंदों की तरफ दोनों गोड्डे अटैच कर लिए हैं। जो आपको कुंदे जो बड़े वाले हैं, उसके साइड पे जो पैनल दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे गोड्डे हैं, जिसको हम साइड पैनल भी बोलते हैं। फाइनली ये हमारी सलवार हाफ कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप वीडियो देख ही रहे हैं। अब हम यहाँ पर बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट को हमने पहले से ही कट करके रखा हुआ था, अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चिड़ी बोलते हैं जिसको, हम फ्लाई इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर बना रहे हैं। हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिच लगा लेनी है और साइड पे हम नीचे इसको पक्का भी कर देते हैं। तो ये चिड़ी बना रहे हैं हम ऊपर से, जैसे हमने एक साइड बनाई है वैसे ही दूसरी साइड बनाएंगे। ये चिड़ी भी दो टाइप से बनती हैं, ये बेसिक है, बिगनर्स के लिए बिल्कुल इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। साइड से हमें बस इसको फोल्ड करना होता है, ट्रायंगुलर शेप में हम इसको फोल्ड कर देते हैं और एक रेक्टेंगल की शेप में स्टिच लगानी है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल रेक्टेंगल की शेप में उसके ऊपर से स्टिच लगा लिया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमने यहाँ पर स्टिच लगा लिया ट्रायंगल की शेप में। ये हमारी बेल्ट है। अब हम जो बेल्ट होती है ना, बेल्ट की पिछली साइड को सिलाई लगा रहे हैं हाफ इंच छोड़ते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी हमने सीधी ऐसी ही स्टिच लगा लेनी है और लास्ट में पक्का कर देना है। तो ये ऐसे करके हमारी बेल्ट जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, अब हमारी बेल्ट कंप्लीट होने ही वाली है। हम ऊपर की तरफ से इसको फोल्ड कर रहे हैं, 2 इंच हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। वो हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और गाइस फोल्ड।
ये जो है ना, इसके अंदर हमारी इलास्टिक या फिर नाड़ा जाता है, ये हम इसलिए फोल्ड करते हैं। तो हम पूरे साइड पर स्टिच लगा लेंगे, बिल्कुल जो हम फोल्ड कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसके किनारी पर हमने स्टिच लगा लेनी है ताकि फिनिशिंग आए। हमने इसको ऐसे फोल्ड करना, हाथ से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते जाइए ताकि वो उसकी अच्छी क्रीज बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे गाइज हमने चीड़ी की तरफ से इसको पक्का कर लिया है ताकि ये एक भी स्टिच इसका इधर से उधर ना हिले और उधड़े ना फैब्रिक जल्दी से। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इस बेल्ट को हम अपने सलवार के साथ अटैच कर रहे हैं। इस बेल्ट पर हमने 9 इंचेस पर एक मार्क लगाया है, वहाँ से जहाँ पर भी हमारा कट है उसको हम कुंदे वाले कट के साथ अटैच करेंगे और वहाँ तक हमारी बेल्ट पर प्लीट्स डलती हैं। आप देखते जाइए, आपको देखने से ज़्यादा समझ आएगा। अभी आपको फ्रेंड्स सिखाते हैं हम। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने फ्रंट वाले को फ्रंट वाले के साथ अटैच कर दिया है। जो हमारे फ्रंट पर जो लाइन है कुंदे पर, उसको हमने बेल्ट के साथ अटैच किया, और ऐसे ही हम बैक वाले कुंदों और बेल्ट के साथ करेंगे। यानी कि राइट से राइट साइड को रखते हुए हम पीछे वाले हिस्से को भी ऐसे ही अटैच कर देंगे। ये हमारी बेल्ट है और बेल्ट को हम कुंदों के साथ अटैच कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे वाली साइड से ही हम प्लीट्स डालनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा पीछे वाली साइड से ही प्लीट डलती है। पीछे वाली प्लीट्स पर हम एक एक प्लीट डाल देते हैं, जो कि इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट होती है। एक फेस इधर होता है एक साइड पर, दूसरे का फेस उसके साथ ही होता है। आमने सामने दो प्लीटें हम डाल देंगे पीछे की साइड, और यहाँ पे जो हमने 9 इंचेस का मार्क लगाया था उसको हम कुंदे वाले के साथ मैच करते हुए अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हम सीधी ही सिलाई लगाएंगे जब तक कि हमारा वो कट वाला निशान नहीं आ जाता जो कि हमने 9 इंचेस पे लगाया। ये देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों कट को हम ऐसे मिलाते जाएंगे और एक सीधी 1/2 इंच की सिलाई करते हुए उसको स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर हमारा 9 इंचेस तक का कट था, ये देखिए आपको कट का निशान दिख ही रहा होगा। तो यहाँ तक हमने स्टिच करनी है और उसके आगे से हम प्लीट्स डालते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से नाइफ प्लीट इसमें डाल रहे हैं, ऐसे हमने पूरे सलवार पर डाल देनी है जब तक कि हमारा अगला कट नहीं आ जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे मशीन को चलाएं ताकि धागा भी ना टूटे। अगर आप एकदम से मशीन को चला देंगे तो धागा भी टूट जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर स्लोली स्लोली हमने चलाना है, और जो प्लीट हम डालते जाएंगे उस पर 2 इंच सिलाई को चलाते हुए रोक देना है, फिर अगली प्लीट हमने डालनी है। इससे हमारी जो प्लीट्स हैं बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग से आती हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है ना, उसको हम उठाते जाएंगे, बेल्ट वाला, नीचे वाले को नहीं उठाना। गाइस, हमने प्लीट्स डालनी है, हम धीरे धीरे ऊपर वाले फैब्रिक जो कि हमारा कुंदो वाला कपड़ा होता है, और हमारी जो बेल्ट वाली साइड नीचे है, जो ऊपर वाला हमारा फैब्रिक है वहाँ पर हम प्लीट डालते जाएंगे ऊपर वाले फैब्रिक को उठाते हुए। बिल्कुल फिनिशिंग से हमने डालनी है धीरे धीरे। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं कि ये प्लीट्स किस तरह की लग रही हैं। ये हमारी यहाँ पर हाफ पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है प्लीट्स का। अब हम यहाँ से दूसरी साइड पर प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हम स्ट्रेट स्टिच डालेंगे जहाँ तक हमारा कट वाला निशान है, जैसे कि हमने उस साइड पर किया था, 9 इंचेस तक हमारा कट था। तो ऐसे ही हम इस साइड भी करेंगे, 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने स्टिचिंग करनी है बिल्कुल स्ट्रेट 9 इंचेस तक के कट तक। उसके बाद से हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कट आ गया है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ही रह गया है ये। तो यहाँ तक हम पूरा सीधा स्टिच कर लेंगे इसको, 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए, राइट से राइट साइड फैब्रिक की रखते हुए हमने सीधा स्टिच कर लेना है। ये हमारे फैब्रिक के 2 पीस हैं, जैसे आप देख रहे हैं नीचे की तरफ हमारी बेल्ट अटैच है और ऊपर हमारे कुंदे हैं। अब यहाँ से हम प्लीट्स डालना स्टार्ट कर रहे हैं।
तो जैसे हमने उस तरफ डाली थी ऐसी ही हमने इस तरफ डालनी है, लेकिन प्लेट्स का जो मुंह है हमारा आमने सामने होगा। जैसे हमारी धोती सलवार होती है ना, उसमें तो हमारा उल्टा होता है प्लेट्स का मुंह, इसमें आमने सामने होगा। मतलब एक प्लेट हम जिस तरफ डाल रहे हैं तो उसका मुंह जिस तरफ है दूसरे वाली का, उसी की तरफ होगा। तो ऐसे ही हम इस साइड भी प्लेट्स डालते जाएंगे। जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हैं, हमें धीरे धीरे अच्छी फिनिशिंग देते हुए फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से हमने प्लेट्स को डाल देना है और हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिचिंग लगाते जानी है। ऐसा हमने पूरी सलवार में करना है, जितना भी हमारा कपड़ा बच गया है हमने पूरी सलवार पर यही करना है। ये देखिए दो हमारे फैब्रिक के पीस हैं, ये हमें ध्यान से लगाना है। हमने बेल्ट वाली साइड पर कभी भी प्लेट्स नहीं डालनी, सिर्फ हमने बेल्ट को कुंदों के साथ अटैच करना होता है। जो हमारी प्लेट्स डलती हैं वो कुंदों वाली साइड डलती हैं, मतलब जो कुंदों वाला फैब्रिक होता है ना उस पर हम प्लेट्स डालते हैं। इस तरह से हम पूरे फैब्रिक में प्लेट्स डाल देंगे अच्छे से सेट करते हुए फैब्रिक को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से प्लेट डाल दी और कितनी ही फिनिशिंग से देखिए प्लेट्स लगी है। जो बिगनर्स हैं वो इसे देखकर इजीली सीख सकते हैं, जिनको बिल्कुल भी स्टिचिंग ना आती हो, बिल्कुल बारीक बारीक हमने प्लेट्स इसमें डालनी है। अगर आपको फ्रेंड्स जो बिगनर्स हैं उनको प्लेट्स डालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट तो वो कुछ मटेरियल वगैरह का यूज़ करके भी डाल सकते हैं, जैसे कि मशीन का जो पेचकस होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर, उसकी हेल्प से भी हम डाल सकते हैं उसको नीचे की तरफ कपड़े में डालते हुए, ताकि हमारी प्लेट्स इजीली आ जाएं, जिसको फिंगर से डालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से हमने पूरे फैब्रिक में प्लेट्स डाल लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं हाफ फैब्रिक में हमारी प्लेट्स डल चुकी है। थोड़ा सा ही फैब्रिक का इस हमारा रह गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से हमने इक्वल इक्वल गैप पर ये प्लेट्स डाली हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सिर्फ तीन स्टिच एक प्लेट पर है, मतलब कि हमने जब प्लेट्स डालेंगे तो तीन बार मशीन को चला दो, बस एक दो तीन, ऐसे ही हमने पूरी प्लेट्स पे करना। तो इससे हमारी जो प्लेट्स हैं वो इक्वल इक्वल साइज में आएंगी। फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इस ट्रिक से इजीली प्लेट्स बना सकते हैं, और ऐसा आपको और कहीं वीडियो में नहीं बताया जाएगा जिस तरीके से हम बता रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इक्वल प्लेट्स हैं। ये एक थंब रूल है गाइस, आप इसको फॉलो करके एक अच्छी प्लेट्स डाल सकते हैं अपने सलवार में। सो गाइस, ये हमारी प्लेट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पर स्ट्रेदी स्टिच लगा देंगे और पक्का करके कट कर लेंगे थ्रेड को। अब गाइस हमने क्या करना है, हमारी यहाँ पर सलवार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो हमने बेल्ट और कुंदों को एक साथ अटैच किया था वहाँ पर ऊपर की तरफ हम टॉप स्टिच लगा देंगे। अभी आपको फ्रेंड्स सिखाते हैं हम किट्स टॉप स्टिच कैसे लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख ही रहे हैं, तो ये टॉप स्टिच हम लगा रहे हैं, बिल्कुल किनारी पर हमने ये लगानी है। बिल्कुल किनारी पर, ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं और जो हमारा कपड़ा है वो दोनों अच्छे से अटैच हो जाए। जो इसके नीचे वाला कपड़ा है उसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल किनारे पर लगा लिया ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। टॉप स्टिच लगाने का फ़ायदा यही होता है कि इससे हमारी प्लेट जो अच्छे से बैठ जाती है और फिनिशिंग आती है। हम पूरी सलवार पर इसी तरह टॉप स्टिच लगा लेंगे अपनी सभी प्लेट्स को दबाते हुए, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं।
यहाँ पर बेसिकली हम फिनिशिंग कर रहे हैं सलवार की, क्योंकि हमारी सलवार ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो ये आपको लाइन दिख रही है स्टिचिंग की, इसके ऊपर ही हमने अपनी टॉप स्टिच लगानी होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि किस तरह से टॉप स्टिच लगाई जा रही है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग सी ये लगी है। ऐसी हम पूरी सलवार पर डाल देंगे, और ये हमारा सलवार का बैक पार्ट है जहाँ पर हमारी दो इन्वर्टेड प्लीट शो रही हैं आमने सामने। तो यहाँ पर हम अपनी टॉप स्टिच को ख़त्म कर देंगे। इसी प्रकार से हमने दो सलवारें तैयार की हैं आज पिंक और ब्लू। और फ्रेंड्स इसी तरह से हमने आज दो सलवारें कंप्लीट किया है, एक पिंक और दूसरी ये वाली, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें भी कितनी अच्छी से हमारी प्लेट्स बन करके रेडी हुई हैं। बैक साइड है हमारी सलवार की टॉप स्टिच लगाते हुए, इसको भी हमने ऐसे ही कंप्लीट किया है जैसे कि उस सलवार को किया था। तो आप देखिए ज़रा इसकी प्लेट्स देखिए किस तरह से फिनिशिंग से आई हैं। वो जो हमने सलवार आपको बताई है वो स्पेशली बिगनर्स के लिए हैं, और ये जो सलवार है वो प्रोफेशनल्स बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल फिनिशिंग से हमने प्लीट्स बनाई हुई हैं, जो थोड़े बिगनर से अबव हैं प्रोफेशनल हैं वो इजीली इसको बना सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़।